नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय छात्रों की फ्लाइट को दिल्ली के लिए किया रवाना। यूक्रेन में फंसी वंशिका लौटी भारत, फरीदाबाद की वंशिका ने बयां किए खौफनाक मंजर। फ्री राशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मई 2022 तक मिलेगा फ्री राशन। बीजेपी ने लाजपत नगर में अवैध शराब का ठेका किया सील, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का जमकर किया विरोध। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, आसपास की फैक्ट्रियों को लिया चपेट में। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को देश सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचे, वहां पर उन्होंने दिल्ली के लिए आने वाली फ्लाइट को रवाना किया। उन्होंने फ्लाइट में मौजूद छात्रों से मिलकर बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। On the aircraft from Delhi on which you are now going. So I think they've cleared about what 100 of you already. So the paperwork is going on. So safe journey. And we are delighted that you are with us safe. And the Prime Minister is committed to bringing every one of you out safe. So the operation, as we speak, people are crossing the border, being brought to different countries in Ukraine's neighborhood. So some of you come here, others are going to Romania, Poland, Moldova and so on, Slovakia. So delighted and safe travels back. All the best. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. All the best. God bless. यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के भारत लौटने पर उनके घर का माहौल बेहद भावपूर्ण दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद की वंशिका जब घर लौटी तो माँ बाप ने राहत की सांस ली। वंशिका ने बताया कि यूक्रेन में किस तरह के माहौल है, कैसा खौफनाक मंजर है। आप भी सुनिए वंशिका ने क्या बताया। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी मुहिम के चलते यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही छात्रा वंशिका भी फरीदाबाद अपने घर लौटी तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जहां सभी छात्रों के होश उड़ गए और सभी के परिजन परेशान हो गए, लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत से एक उम्मीद जगी। पैनिक सब बच्चों में था, सब बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था। हमें पता चल रहा था कि कीव और खारकीव रीजन्स में आर्मी टैंक्स एंड आर्मी सोल्जर्स आ चुके हैं और हमें बहुत डर था कि कहीं वो हमारी रोड पर या कोई वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता चला था कि एयरपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहाँ के, और सारे एयरपोर्ट्स सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिर्फ चेरनिवत्सी रीजन का जो एयरपोर्ट था वो अंडर डेवलपमेंट था, इसीलिए वहाँ पर कोई हार्म उन्होंने नहीं किया था। किस कंट्री से आपने फ्लाई किया? रोमानिया से हम पहुंचे थे रोमानिया। और वहां कैसे से पहुंचे रोमानिया? हमें पहले हॉस्टल से हमें बस में ले जाया गया, उसके बाद बस वहाँ पर हमें पेट्रोल पंप पे बोला कि आप यहाँ पर बैठिए और कैफ़े में आप बैठ सकते हैं, पर कैफ़े वाले लोग भी क्राउड को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए यहाँ से। हम ठंड में वहाँ पर बैठे हुए थे, देन उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया और हमें बोला कि आप इस बस में बैठ जाइए, देन हम वहाँ से बाहर निकले थे। तो वहाँ पे आपको जहाज तैयार मिला? हाँ जी, वहाँ पर था प्लेन, वहाँ पर खड़ा हुआ था। उन्होंने हमें 1.5 आवर का ही टाइम दिया था कि आप यहाँ पर 1 आवर तक आप यहाँ पर आराम से बैठिए और उसके बाद बोर्डिंग आपकी होगी और देन आप फ्लू कर सकते हैं। क्या फील किया जब बॉर्डर पार किया? बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो मन में रखा कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। सबसे पहले यही आया कि इंडियन गवर्नमेंट का, एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा थैंकफुल हुआ कि एयर इंडिया जैसे ही वहाँ पर बैठे उन्होंने इतना ज़्यादा फैसिलिटी थी वहाँ पर, वो बार बार पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं। फिर ध्यान आया कि मम्मा पापा अब मिल सकते हैं वहाँ से, मम्मा पापा
अब आपसे सामने बात हो सकती है इतने मुश्किल और स्ट्रेस्ड के बाद। पेशे से वकील छात्रा वंशिका के माता पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे, जिनके प्रयासों से ऑपरेशन गंगा चलाया गया और फंसे हुए छात्र सकुशल घर वापस लौटने लगे हैं। माता पिता ने बताया कि युद्ध की खबर सुनकर उनका दिन रात का चैन खो गया था, जिसके चलते वो कुछ खा पी नहीं रहे थे और न ही सो पा रहे थे, जबकि बेटी उन्हें फोन पर दिलासा दे रही थी। यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, तो मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने पापा हमें तो कुछ नहीं पता, पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी जरूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे, ये हमें मोदी जी पर विश्वास है कि और वही हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मोदी जी नहीं कर सकते और आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। अगर कोई शांति की कोई बात होती है तो मोदी जी कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का कोई भी हल है वो मोदी जी निकाल सकते हैं, किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट के बस की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरी बच्ची की मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए, हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया। अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी, हमें यही लगता था कि ये ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे, बस यही था। मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें, पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, इनके सुनील सर हेड हैं, इनके चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुँचे हैं, उन्होंने बच्चों का वीज़ा लगवाया और बच्चों को वहाँ बॉर्डर से निकलवाया। अगर वो नहीं होते हो सकता है हमारे बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर नहीं आते, वहाँ से उन्होंने सब अरेंजमेंट कराए, बसेज कराई। अब देखो इतना तो होता है जब ज़्यादा क्राउड होता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है, पर जो मेरे बच्चे ने इतना नहीं झेला सुनील सर के होते हुए, मेरी बच्ची ठीक ठाक वहाँ से आ गई और पूरा वहाँ तक प्लेन तक ठीक आई है मेरी बेटी। बता दें कि यूक्रेन में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत वापस वहां फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना की। जी हां, दिल्ली सरकार ने मई 2022 तक मुफ्त राशन वितरण का आदेश दिया है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो इसका लाभ मिलेगा ही, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के समय दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया था। सिर्फ राशन कार्ड होल्डर्स को नहीं बल्कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी राशन दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की थी और अब मुफ्त राशन लेने के टाइम को और बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली की जनता को मई 2022 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। फिलहाल दिल्ली में राशन कार्ड वाले लाभार्थियों के साथ गैर पीडीएस लाभार्थियों यानी बिना राशन कार्ड को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मई तक राशन बांटने की अवधि बढ़ाने के साथ दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो नियमित रूप से राशन दुकान नहीं खोलते हैं और कम राशन बांटते हैं या फिर जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि राशन वितरण के दौरान आम नागरिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने दुकानों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात किए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए इमरान हुसैन ने राशन दुकानों पर तैनात सिविल डिफेंस वॉलंटियर से ये सुनिश्चित करते हुए कहा कि FPS की दुकानों पर आने वाले सभी लाभार्थी मास्क पहने हुए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लाजपत नगर और हरिनगर में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कुछ शराब की दुकानों को सील भी किया। ये केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आप सब लोगों की मदद से ये तय किया है
कि दिल्ली में कोई भी अवैध शराब का ठेका हम रहने नहीं देंगे, खुला हुआ उसको सील करके रहेंगे। मैं यहाँ पर हमारे जितने संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता साथियों को, बधम पार्षद यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने ये संघर्ष जारी रखा है और आज ये सफलता मिली है, हम इसको सील करने वाले हैं। और पिछले एक महीने से पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ धरना देकर बैठे हैं और हम इस स्थिति को आज सील करने जा रहे हैं और हम केजरीवाल को चेतावनी देना। अंत में बात करते हैं नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग की। जी हाँ, यहाँ पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने आसपास की दो और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आप भी देखिए। दिल्ली में आग के तांडव की ये भयावह तस्वीरें नरेला के भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। प्लास्टिक होने की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि आग ने दो और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते तीन फैक्ट्रियां इस आग में जलने लगी। सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की चार गाड़ियां शुरुआत में मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग फैलने की रफ्तार को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों को बुलाया गया, जो आग बुझाने में जुटी। दो ही कंपनी चपेट में है, बाकी सब ठीक है और अब आगे कोई रिस्क नहीं है, कंट्रोल कर लिया जाएगा। टोटल अभी मौके पर कितनी गाड़ियां और बड़ी? मौके पर 40 गाड़ियों के करीब हमारी हैं अभी, जो चल पड़ी हैं स्टेशनों से और यहां पहुंचने वाली हैं। अच्छा, और जो हाइड्रोलिक गाड़ी है वो भी बुलाई? हाइड्रोलिक गाड़ी भी तुरंत बुलाई हुई है, वो अभी पहुँचने वाली है कुछ मिनटों। कोई इंजर्ड कोई नहीं है और बाकी ठीक है। तो अंदर फंसे होने की किसी की संभावना है कि कोई? अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली और पब्लिक वालों ने बताया कि अंदर कोई नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे चटाई बनाने वाली मैसर्स ताज प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग से गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने दो और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है। इस आग में गनीमत यही रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि लाखों रुपए का माल जलकर जरूर खाक हो गया। पूरी बिल्डिंग आग की वजह से जर्जर हो गई है, किसी भी वक्त बिल्डिंग गिर सकती है। वहीं आग किस वजह से लगी, इसके कारणों की जांच अभी जारी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।